समझते हैं कि अधिकारी अभियोजक गण, डिफेंस काउंसिल, अधिवक्ता गण, उनके द्वारा इसमें भाग लिया गया तथा जो अपने अपने सब्जेक्ट के विशेषज्ञ हैं, जो कानून जैसा सभी की जानकारी में है कि राजस्थान जुडिशियल एकेडमी जोधपुर के तत्वाधान के अंदर एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती संगीता शर्मा जी के मार्गदर्शन के अंदर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन जो 1 जुलाई 2024 से नए कानून लागू होने वाले हैं उनको लेकर की जा रही है, जिसमें समझते हैं कि अधिकारी अभियोजक गण, डिफेंस काउंसिल, अधिवक्ता गण, उनके द्वारा इसमें भाग लिया गया तथा जो अपने अपने सब्जेक्ट के विशेषज्ञ हैं, जो कानून के अंदर भारी बदलाव आए हैं, जैसे आज डिजिटल जो एविडेंस है, उसके अलावा बेल का जो जमानतों का कानून है, सम्मन ट्रायल, सेशन ट्रायल, जो विभिन्न कानून जो 1 जुलाई से लागू होने वाले हैं उनके संबंध के अंदर विस्तृत चर्चा की जा रही है, उनके परिदृश्य को समझाया जा रहा है, एक एक धाराओं का अध्ययन जो है बहुत ही गौण रूप से किया जा रहा है ताकि इस कानून को जब धरातल पर लाया जाए तो किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आए। और ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत सफल रहा और इसमें पूरे जिले के न्यायिक अधिकारियों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम की जो लाभ होगा वो ये लाभ होगा कि जो नए कानून लागू होने वाले हैं उसमें संगत, विसंगत और असंगतियाँ जो आने वाले की जो संभावनाएँ थी वो समाप्त हो जाएगी और बिल्कुल सुचारू रूप से ऐसा लगेगा कि ये कानून लगातार लागू ही चला रहा है। मुख्य अतिथि कौन रहा? ये जो कार्यशाला है इसका जो शुभारंभ है वो श्रीमती संगीता शर्मा जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश के हाथों से हुआ और समापन भी आज उन्हीं के ही करकमलों द्वारा किया जा रहा है। विवेक पाराशर लोग देखिए, प्रत्येक देश के समय काल और परिस्थितियों के आधार पर परिवर्तन होना निश्चित है। उसी ही समय काल परिस्थितियों के आधार पर हमारे भारतीय जो नए आपराधिक कानून हैं उनमें नए कानून स्थान लेंगे और जो 1 जुलाई 2024 से अपना कार्य शुरू करेंगे उसी के संबंध में कार्यशाला रखी गई है और आज कार्यशाला का दूसरा दिवस है। कार्यशाला बहुत ही सक्सेसफुल रही है और बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है, जिसमें नए कानूनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। क्योंकि अभी आने वाला युग AI का युग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, पूर्व के कानूनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो डॉक्यूमेंट, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो सब्जेक्ट थे उनको नहीं रखा गया था, अब उसमें ये नए एक्ट में ये सब शामिल है तथा उनसे प्राप्त होने वाले जो एविडेंस है वो किस तरह से कानून में अक्यूज्ड को और पीड़ित को सहायता करेंगी या एविडेंस जो है बेस्ट एविडेंस कौन सी होगी उसके लिए इनमें समावेश किया गया है। क्योंकि आने वाला युग जो है वो डिजिटल युग है, तो ऐसे में डिजिटल जो चीज़ें हैं उनको भी डॉक्यूमेंट के आधार पर इन कानून में शामिल किया गया है ताकि इनसे साबित किया जा सके कि कौन गलत है और कौन सही है ताकि पीड़ित को पूर्णतया न्याय प्राप्त हो सके। आज बिल्कुल समापन है और समापन भी श्रीमती जिला विशेषण न्यायाधीश श्रीमती संगीता शर्मा द्वारा ही किया जाना है और इसमें जिले के समस्त न्यायिक अधिकारीगण, सभी अभियोजन के अधिवक्तागण, सभी अधिवक्तागण और डिफेंस काउंसिल ने सब भाग लिया। कार्यशाला बहुत शानदार और सक्सेसफुल रही और मैं सभी को इस जिला बार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, आभार और वो प्रकट करता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को उपस्थिति देकर सफल बनाया। राजेश कुमार यादव, सचिव जिला बार एसोसिएशन अजमेर।